तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या सही में कोई अपनी सोल कोई डेविल को बेच सकता है फेमस होने के लिए। पूरी वीडियो देखना, अगर पूरी वीडियो नहीं देखेगा तो समझ नहीं आएगा। जैसा मैं रोज बोलता हूँ, रोज नहीं 3 दिन में एक बार। तो मैंने ना इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो मैं उसके अंदर बोल रहा था एक बहुत बड़ा सिंगर था जिसने अपनी सोल बेच दिया था डेविल को, और कहते हैं कि उसको गिटार बजे मतलब गिटार जो होता है ना वो बजाने नहीं आता एक सिंगर को। तो गिटार है ना, एक डेविल ने बजा के उसको एक गाना बनाए थे उन लोग ने, जिसकी वजह से उसने वो गाने में पूरा बताया कि उसने सोल बेच दिया था और वो फेमस हो गया उसके, और बहुत उसने गाने बनाए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन लास्ट के गाने में वो कह के गया था कि आप मेरा टाइम आ गया, मेरे को डेविल लेके जा रहा है। उसके बाद से उसकी मौत हो गई कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिखाई नहीं दिया, कुछ लोग कहते हैं उसकी मौत हो गई। इसका कन्फर्म रीज़न किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन उसका गाना तो कभी नहीं आया उसके बाद, और दिखा भी नहीं, या फैमिली के साथ रहता आएगा या कुछ कर लिया या उसका हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा। तो कितने जन मुझे कमेंट्स में लिखे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा करते। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और ज़िंदगी में करूँगा भी नहीं। मैं अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्यों और कैसा हो सकता है जितना मैंने स्टडी किया, और कितने हैं सेलिब्रिटीज़ जिसने किए। अभी मैं पूरे तो सेलिब्रिटीज़ के नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो ऑलमोस्ट एवरीवन होंगे, लेकिन जितने मुझे मालूम है और जितने मुझे मैंने स्टडी किया मेरे माइंड से, वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। थोड़े नाम तो आप सुन के खुद हैरान हो जाएंगे, मगर देखते अपन क्या होता है। तो पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि ना एक बहुत फेमस मूवी आई थी जिसका नाम था जेनिफर्स बॉडी करके, इंग्लिश मूवी है। उसके अंदर बताया गया था कि जेनिफर को लोग सैक्रिफाइस कर रहे डेविल के लिए कि उन लोग फेमस हो जाए, उन लोग का बैंड फेमस हो जाए। कहते वो बैंड मरून 5 पे बेस्ड है, जो एडम लेवाइन का बैंड है वाला, वो गाना आई एम एट अ पे फोन और उसके बहुत मूव लाइक जैगर और गर्ल्स लाइक यू, वो जो गाने हैं ना जिन लोग बना रहे मरून 5 कहते हैं, उन लोग ने ना एक लड़की को सैक्रिफाइस किए थे मतलब डेविल के लिए, जो लोग की मतलब जो भी फेमस हो गए लोग उसकी वजह से हो गए, ऐसा कहने में आया है। जिसका मूवी भी बनी है जिसका नाम है जेनिफर्स बॉडी, मगर उन लोग मरून 5 जो बैंड है उन लोग बोलते हैं हम लोग ने कुछ ऐसा किए नहीं कभी ज़िंदगी में। हो सकता है कि जैसा अभी चोर कभी चोरी कर लेता तो बताता नहीं है कि भाई मैंने चोरी किया, पुलिस को थोड़ी जाके बोलेगा मैं चोरी किया भाई पकड़ो मेरे को। तो हो सकता है ये पॉसिबल हो गए। इसके अंदर सिर्फ ये एक नहीं बाकी बहुत सारे हैं ऐसे। कहते द वीकेंड सिंगर इतना फेमस है, आपने देखे होगी अभी उसने शक्ल भी एकदम चेंज हो गया। मैं वीकेंड को आपने देखे होगी, वीकेंड ने इतने गाने बनाए, लेकिन क्या आपको मालूम है जब फेमस हो गया था उसके पहले उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है जिसने उसने अपने एक गाने में बताया। और उसके अंदर है ना वीडियो में कभी भी आप देखेंगे ना तो एक आदमी खड़ा रहता है जिसके बाल नहीं रहते, थोड़ा डेविल टाइप दिखता है, और उसके हर म्यूजिक वीडियो में है। कहते हैं कि वो उसने ना ऐसे एक फिगर बना दिया और डेविल ने एक उसके साथ किया है साइनिंग किया है कि भाई अगर है ना देखो फेमस होना है तो देखो हर वीडियो में मेरे को डालना पड़ेगा और लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा डेविल के बारे में, मतलब लोगों को बताना पड़ेगा कि डेविल है, डेविल ये है और डेविल बेटर है, वो सब बेस्ट है वो। तो वो करने लगा, लेकिन कहते हैं कि अभी अभी है ना वो मतलब ये सब छोड़ने की कर रहा है, और कहते हैं कि उसने एक अपना मतलब जो उसका डेविल था जिसमें उसको छोड़ भी दिया है, उसकी मौत कभी भी हो सकती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है वीकेंड के साथ। मगर जब मैंने सुपर बोल में वो जब कर रहा था गाना गा रहा था सुपर बोल में, और उसका गाना एक और एक उसके पहले आया जिसमें म्यूजिक वीडियो में वो गाना गा रहा था, तो म्यूजिक वीडियो में अगर आप फेस देखेंगे ना उसका फुल चेंज हो गया। और ऐसा फेस तो अगर आप प्लास्टिक सर्जरी भी करेंगे तो उसको बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं करना कभी जिंदगी में। तो उसने वैसा फेस कर दिया है, और उसने ना उसके गाना जो सुपर बोल में हो रहा था लाइव गा रहा था उसके अंदर स्लो बाय स्लो देखेंगे ना 60 FPS पे आप स्लो करेंगे ना स्लो मोशन में आप देखेंगे ना, तो उस पर डेविल लिखे ला रहा था कितनी बार, सेटन डेविल कितनी बार लिखा आ रहा था पूरे स्टेज पे। और तुमको मालूम सुपर बोल कौन लोग देखते हैं? करोड़ों लोग देखते हैं। US में तो हर जान देखता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है सुपर बोल। एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा देखते हैं क्योंकि कहते हैं कि इसके अंदर इतने लोग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी बहुत आते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आती है उसमें। तो सोचो कितने लोग देख रहे होंगे ये इवेंट। बोल रहे हैं कि फुरकान कितना बकबक कर रहा है, बता के साइन कैसा करते। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर जितना मैंने स्टडी किया उसमें होता है कि है ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है आप लोग को, या आप लोग को उससे मिलना पड़ता है जो ऑलरेडी ये सब चीज़ कर चुका है। या कितने जान बोलते हैं कि आप लोग को है ना जो फेमस होने वाले होते हो आप, तो खुद डेविल आके आपसे ऐसा पूछताछ करता है कि आपको और फेमस होना है, आपका लेवल पार हो जाएगा, कभी छुटेगा नहीं, और अगर आप नहीं करते साइन तो बोले आपका डिक्रीज मतलब फॉल चालू हो जाता है। ऐसा मैंने सुना हूँ, मैंने कभी देखा नहीं हूँ, मेरा कभी फेमस ही नहीं हुआ हूँ मैं, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। जब भी होगा और ऐसा होएगा तो मैं तुम लोग को वीडियो बताऊँगा। फिर भी तुम लोग बोलेंगे कमेंट्स में नहीं फुरकान तुम फेक बोल रहे हो, तुम झूठे इंसान हो।
ठीक है, आप लोगों को जो सोचना है। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता था कि डेविल का जो भी, अगर आपके साथ ऐसा होता है ना कभी, तो मेरी बात मानो, करना नहीं। और कितने जन बोलते हैं भाई इसे बचे हुए कैसा, बचे हुए कैसा का क्या मतलब है, तुम साइन नहीं करेंगे तुम बच जाएंगे, तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारी क्षमता है कि तुमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बेस्ट, करेंगे तो तुम फंसेगे, तुम्हारे लिए बेटर हो, तुम जानो। अभी इसके अंदर कैसा रहता है, मैंने लोग साइनिंग में मैंने सुना हो कि ऐसा होता है कि एक तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप मर जाएंगे तो आपको ना सिर्फ जन्नत में जाना पड़ेगा, जो हेल है आप जन्नत में नहीं जा सकते, जो हेवन है उसमें कभी जिंदगी में नहीं जा सकते, और कोई लेगा भी नहीं, हेल में ही जाना पड़ेगा। और आप स्लेव बनेंगे, जो डेविल के लिए पूजा कर रहे हो या सेटन के लिए पूजा कर रहे हो उसके स्लेव बनेंगे, उसके नौकर बनेंगे। और क्या क्या करवाएगा वो तो भाई अनइमेजिनेबल है। कहते हैं कि ये जिंदगी तो इतनी सी छोटी सी, 50, 60 साल, 80 साल, 100 साल, मगर वो जिंदगी तो लाइफ टाइम रहेगी, इटर्नल लाइफ। तो आप ही सोच लो कि आपका क्या हाल होएगा। मैं आप लोग को सिर्फ रोक सकता हूँ, मैं आप लोग को और तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कितने जान बोलते थे फुरकान इंडियन सेलिब्रिटीज का बताओ, तो इंडियन सेलिब्रिटीज में मैंने किसी को अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन स्टडी करूंगा मैं तो आप लोग को बताऊंगा मैं। कुछ लोग बोलते हैं इल्यूमिनाटी और सेटन, ये दो अलग अलग चीज़ है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियोज बना लिया ऑलरेडी, ये अलग चीज़ है। ये साइन करता है डेविल खुद आके आपके साथ, वो क्या करेगा आप तो वो तो मेरे को नहीं मालूम। वो कोई दमी, मतलब बेस्ट रेफरेंस ये मूवी का, कि ये मूवी में देख ले हुए फुरकान हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा होता है, तो गोस्ट राइडर पिक्चर देखो। अगर आपने गोस्ट राइडर पिक्चर नहीं देखा तो मेरे को नहीं लगता आपने अपनी चाइल्डहुड बताया या जिए हो, क्योंकि गोस्ट राइडर मूवी हिंदी में भी इंग्लिश में भी अमेजिंग मूवी है। उसके अंदर क्या बताया गया है कि ना एक राइडर रहता है, वो बाइक चलाता है उसका बाप, और उसका बाप को है ना मतलब जैसे ही मतलब बाइक से जंप मार रहा होता है तो डेविल से साइन कर लिया होता है उसका लड़का कि भाई मेरा बाप को बचा लेना, कुछ भी हो गए उसको मरने नहीं देना। तो जैसे ही वो गिर जाता है, बाप एकदम मरने में होता है और वो साइन कर रहा होता है, तो डेविल बोलता है अपना खून जल्दी डाल वरना तेरा बाप मर जाएगा। तो खून डालता है, वो साइन कर लेता है, उसके बाद वो उठ के जाके देखता है तो उसका बाप मर गया होता है। अभी वो इतना गुस्से में आ जाता है, लेकिन डेविल उसका साइन कर लेता है, उसके ऊपर सब है ना जादुआ करता है, वो खुद गोस्ट राइडर भूत जैसा दिखने लगता है, लोग उसको देखते तो डर के मारे खौफ में आ जाते हैं। और वैसा होता है गोस्ट राइडर फिर वैसा चलता है, उसको भूत दिखाई देते हैं, उसके ऊपर बहुत जुल्म होता है और वो एकदम स्लेव बन जाता है, वो अपने मास्टर को कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो उसका सेटन है, जो उसका डेविल है, उसको बोलेगा कि मेरे पैर चाटो, पैर चाटेगा। तो ऐसा रहता है। अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप वो मूवी जाके देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी वीडियो जो डेविल के ऊपर, जो मैंने आप लोग को बताया कि सोल बेच देते हैं, तो यही है वो सब चीज़ है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है। और मैंने कैरी मिनाटी का एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि क्या मिनाटी इलियो मिनाटी है, अगर आपको उसके अंदर बुरा लगाएगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा मंशा नहीं था उसको बुरा बताने का, मेरा मंशा यह था कि ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितना स्टडी किया इंटरनेट पर तो वो मुझे लगा, और ये कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी वो जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ओयो रूम्स में जाना हो, 50% डिस्काउंट चाहिए तो फुरकान ओयो लिखो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे लिखो कि मेरे को डिस्कॉर्ड में आना है, तो मेरा कोई ना कोई सब्सक्राइबर जो होएगा वो लिंक भेज देगा आपको, क्योंकि मैं कमेंट कर मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, काम भी है, फिर वीडियोज़ बनाना पड़ता है और बहुत चीज़ें हैं। तो आपको और क्या देखना है नेक्स्ट मेरे को प्लीज़ बताइए, मैं 100% बनाऊँगा वो वीडियो। और मिलते हैं अगली बार, टिल देन कोई आपके पास डेविल वेविल आया तो मेरे को बताओ, उसको दे गए पटके।